हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं आत्मनिर्भर इंडिया के बारे में, जो आजकल गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को वापस से रीबूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को वापस से अपने सही रास्ते पर लाने के लिए ये स्कीम निकाली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल है जिसको कि आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। देखिए, इतिहास के पन्नों में कई बार ऐसे इवेंट हुए हैं जिसमें कुछ कंट्रीज या तो बन गई हैं या फिर वो बिखर गई हैं। आप जब देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान में, तो वहां पर कुछ कंट्रीज ऐसी थी जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गई, जो काफी ज्यादा डेवलप कर गई। जैसे वर्ल्ड वॉर के दौरान में यूएसए डेवलप कर गया, न्यूक्लियर डिजास्टर के समय जापान डेवलप कर गया, और ट्रेड वॉर के दौरान में चाइना डेवलप कर गया। इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड कप भी आप लोगों ने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम हो गई, चाहे मुंबई इंडिया की टीम हो गई, ये डेवलप कर जा रही होती है। यानी कि इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें कंट्रीज या तो बन जाती है या फिर बिखर जाती है, जैसे कि सीरिया और श्रीलंका के साथ में हुआ है। इसी तरीके से कोरोना वायरस भी एक ऐसा इवेंट है और इतिहास के पन्नों में एक ऐसा इवेंट हो जाएगा जहां पर इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए ही एक देश बन सकता है और एक देश बिखर सकता है। किसी देश के इकोनॉमी से रिलेटेड बनने के लिए, मतलब कि इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई अव्यवस्था फैलती और उसमें किसी चीज किसी देश को अगर रास्ते पे लेके आना है, तो उसके लिए कोटेशन कहा गया है। और वो कोटेशन ये है कि इन द वर्ल्ड मार्केट इफ अ नेशन वांट्स टू बी अ सुपर पावर और वांट टू लीड द वर्ल्ड, नेशन नीड्स टू बी अ इन्वेंटर, क्रिएटर एंड प्रोड्यूसर। यानी कि एक कोटेशन अगर कहा जाए तो सम अप किया जा सकता है कि बायर वन इज ओनली हैज बाइंग पावर। तो ये बहुत जरूरी होता है किसी भी नेशन के लिए कि वो एक इन्वेंटर बने, क्रिएटर बने और प्रोड्यूसर बने। और इसी सब को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक आत्मनिर्भर प्रोग्राम के तहत एक स्कीम लेकर के आई है, जिसमें आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया है, जिसमें सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया गया है। यानी वी कैन ऑल्सो बिकम अ कंट्री इन द फ्यूचर, जहां पर हम लोग अब एक सुपर पावर के रूप में निकल करके आ सकते हैं, या फिर हम भी अपने आप को वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर एक ऐसे पोजीशन पे ले आ सकते हैं जो इस हिस्टोरिकल मोमेंट के बाद एक बर्निंग स्टार के रूप में सामने निकल के आएगा। स्टार्ट करते हैं इस स्कीम के बारे में समझने की, जैसा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला हुआ है। इस सेशन में हम लोग इसके पूरे डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही हम लोग एनालिसिस भी कर रहे होंगे क्या चीज है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले आप लोग देखेंगे प्राइम मिनिस्टर्स विजन, और यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला है कि कॉल फॉर आत्मनिर्भर भारत अभियान और सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट। यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फाइव पिलर्स पे फोकस किया, दैट इज इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। वन बाय वन करके अगर चीजों को देखें तो देखिए यहां पर इन्होंने बोला इकोनॉमी को अगर आपको बूस्ट करना है तो हमें इकोनॉमी कैसे लेकर के जानी है। हमें कोई 1, 2, 3, 4 नहीं करना है, इंक्रीमेंटल चेंज नहीं करना है। हमें क्या करना है, क्वांटम जंप लेकर के आनी है। हमें एक ऐसा जंप लेकर के आना जो 1, 2, 3, 4 को 100, 200, 1000 में कन्वर्ट कर दे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में प्रधानमंत्री ने बोला कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वो पुराना ट्रेडिशनल वाला नहीं चाहिए, हमें एक मॉडर्न इंडिया वाला चाहिए। सिस्टम के बारे में गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें एक ऐसे सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की ओर जाना है जो सस्टेनेबिलिटी की ओर लेकर के जाए, ना कि ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चलना हो। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के बारे में बोला गया कि इंडिया के पास सबसे अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ह्यूमन पावर है, जिसको कि हम लोग यूज कर सके। डिमांड के बारे में बोला गया कि देखिए इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट मार्केट है, और इस वजह से हमारे पास काफी अच्छा एक पोटेंशियल है कि हम लोग आगे इसको लेकर के जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने काफी अच्छा एक प्लान बताया हुआ है, क्या कुछ है आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने 4L के बारे में बात किया है, और वो 4L क्या है, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। तो इन चार चीजों के बारे में बोला गया है। अगर आपने इकोनॉमिक्स की बेसिक्स अगर की होगी तो उसमें आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स के बेसिक्स में कहा जाता है किसी भी देश की इकोनॉमी को बनाने के लिए 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इसी कैपिटल का दूसरा नाम दिया गया है लिक्विडिटी। लेकिन हमारे इंडिया में एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज होती है जिसको बोला जाता है रेड टैपिज्म, और इस रेड टैपिज्म को रोकने के लिए ही गवर्नमेंट ने एक और फैक्टर एड कर दिया है 4L में, दैट इज लॉ। और ये चीज हो गई है हमारे इकोनॉमी को जंप देने के लिए, हमारी इकोनॉमी को एक इंक्रीमेंटल चेंज से एक क्वांटम जंप देने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया है 4L से।
इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए हमारे यहाँ पर आप लोगों ने देखा ही होगा कि स्पेशल एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया गया है 20 लाख करोड़ का, विच इज इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ इंडिया जीडीपी। हमारे जीडीपी के बारे में अगर बात करें तो देखिए आईएमएफ के हिसाब से हमारी जीडीपी लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर के नियर अबाउट में है, लेकिन अगर इकोनॉमिक सर्वे के डेटा से जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी 3.8 to 3.9 ट्रिलियन डॉलर के अकॉर्डिंग में है और हम लोग इसको 5 ट्रिलियन डॉलर के बारे में बात कर रहे हैं बनाने की। पैकेज टू कैटर टू वेरियस सेक्शन इंक्लूड, किस किस चीजों में हम लोग इसको फोकस करने वाले हैं। हम लोग फोकस करेंगे कॉटेज इंडस्ट्री में, एमएसएमई में, लेबर में, मिडिल क्लास में, इंडस्ट्रीज में और बाकी और भी कई सारी चीजों में। इस स्कीम को जब आप पढ़ेंगे तो आपको गांधी जी की याद आ जाएगी, क्योंकि गांधी जी ने भी इसी सेल्फ रिलायंट इंडिया के बारे में बात किया था और इसीलिए कॉटेज इंडस्ट्री की ओर जो ध्यान दिया गया था, एमएसएमई की ओर जो ध्यान दिया गया था, वो गांधी जी ही थे। इसके अलावा कुछ बोल्ड रिफॉर्म्स किए गए हैं अक्रॉस सेक्टर, विल ड्राइव द कंट्रीज पुश टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस की ओर चलने के लिए काफी अच्छा एक बोल्ड रिफॉर्म कहा जा सकता है इस स्कीम को। गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि देखिए हमें अपने लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें वोकल बनना पड़ेगा अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए। जैसे टेराकोटा के लिए अभी देखे होंगे आपने कि इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दे दिया गया। सिमिलरली मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर देयर इन द मार्केट व्हिच हैव बीन गिवन ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दैट आर लोकल प्रोडक्ट्स एंड नाउ दे आर बिकमिंग ग्लोबल प्रोडक्ट्स। तो लोकल को वोक के सहारे ग्लोबल बनाना, यही करना है हमारे इंडिया को आज की डेट में, ऐसा प्रधानमंत्री ने बोला है। इस पूरे के पूरे स्कीम को, इस पूरे के पूरे 20 लाख करोड़ के पैकेज को गवर्नमेंट ने तीन पार्ट में, तीन चरणों में पेश किया हुआ है, जिसमें से पहले चरण के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग यही देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट सेशन में, पहले चरण में क्या कुछ हुआ है। तो देखिए पहले चरण में गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली हुई है जो पहले की पुरानी स्कीम है, जिसका नाम है गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के द्वारा पुअर लोगों के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में बात की गई है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें कई सारे स्कीम को एक साथ एक जगह पर लेकर के आया गया है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गई, मनरेगा हो गया, या फिर उज्ज्वला योजना होगी, नंबर ऑफ स्कीम्स आर देयर। वन बाय वन करके अगर डिस्कस करें तो देखिए नियरली 1.7 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में फॉर द पुअर टू हेल्प देम फाइट द बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो सबसे पहले देखिए यहां पर जो फोकस किया गया है, वो फोकस किया गया है लेबर की ओर, कि आखिर में हमारे लेबर का जब पेट भरा रहेगा तभी वो एक लेबर, एक ह्यूमन पावर के रूप में सामने निकल करके आएगा। तो इस वजह से इस लेबर को फोकस करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के दौरान में कई सारी चीजें की गई, जैसे इंश्योरेंस कवरेज दिया गया है हमारे हेल्थ वर्कर को। अगर हेल्थ वर्कर को काम करने के दौरान में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है, उनको 50 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा होगा। 80 करोड़ पीपल हैव बीन गिवन बेनिफिट ऑफ 5 किलोग्राम वीट और राइस पर पर्सन फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो अगले 3 महीने के लिए 5 किलोग्राम चावल और 5 किलोग्राम गेहूं, ये बेनिफिट दिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा 80 करोड़ पीपल को। 1 किलोग्राम पल्स फॉर ईच हाउस होल्ड फॉर फ्री एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। अगले 3 महीने के लिए हर महीने 1-1 किलोग्राम दाल जो है वो पर हाउस होल्ड को दिया जाएगा। 20 करोड़ वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर को 500 रुपए पर मंथ नेक्स्ट 3 मंथ में दिया जाएगा। गैस सिलेंडर के बारे में अगर बात करें तो 8 करोड़ गरीब फैमिली को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। मनरेगा की स्कीम जो कि 1986-87 के हिसाब से चल रही होती थी और वहां पर 182 रुपए वेज हुआ करता था, उसको रिफॉर्म करके अब 202 रुपए दिया जाएगा। इससे 13.62 करोड़ फैमिली का फायदा हो जाएगा। एक्स रेशियो ऑफ 1000 रुपीज दिया जाएगा, तो 3 करोड़ जो भी पुअर सीनियर सिटीजन है या पुअर विडोज है या पुअर दिव्यांग है। तो बेसिकली अगर आप इस स्कीम को देखेंगे तो हर एक सेक्शन को, हर एक कंपोनेंट को फोकस किया गया है, चाहे वो गरीब विधवा हो, चाहे गरीब विडोज हो, चाहे गरीब दिव्यांग हो, या फिर गरीब सीनियर सिटीजन हो, या फिर हमारा लेबर क्लास का मार्केट हो। अब यहां पर देखिए आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी चीज की गई है कि गवर्नमेंट जो 500 रुपीज पर मंथ का पैकेज दे रही है वो वुमेन को दे रही है, मैन को नहीं दे रही है। अदरवाइज देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी होवर ऑफ मनी, होवर ऑफ मनी हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन का एक कारण बन सकता है। तो इन्फ्लेशन को, इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने वुमेन के जनधन अकाउंट को चूज किया है और काफी अच्छा स्टेप है।
इस स्टेप से देखिए इन्फ्लेशन जो भी शॉर्ट टर्म में आ सकती थी उसको पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की गई है। लॉन्ग टर्म में इनकेस अगर इन्फ्लेशन आती है तो आरबीआई कैन टेक मेजर। फिलहाल शॉर्ट टर्म में यहां पर कुछ भी इन्फ्लेशन आने की कोई भी चांस दिख नहीं रही है। इसके आगे अगर बात करते हैं तो देखिए फ्रंट लोडेड 2000 रुपीज पेड टू फार्मर अंडर एग्जिस्टिंग पीएम किसान टू बेनिफिट 8.7 करोड़ फार्मर। तो 2000 रुपए दिया जा रहा होगा प्रधानमंत्री किसान के अंडर में, जहां पर 6000 रुपए का प्रावधान है और अलग अलग तरीके से इनको पैसे दे दिए जा रहे होते हैं, तो उसी चीज को अभी आगे कंटिन्यू कर दिया जा रहा है। इसके अलावा बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड बनाया जाएगा, जिससे कि जो भी काम करने वाले मजदूर है जहां पर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे होंगे उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। वेलफेयर का मतलब क्या चीज है, मान लीजिए वो मजदूर अगर नहीं आ पा रहा है कोविड के कारण से तो उसको एक प्रोटेक्शन मनी दे जी रहा रही होगी ताकि वो अपना खर्चा पानी चला सके। सिमिलरली अगर उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको वेलफेयर किया जाएगा, उसको हॉस्पिटल वगैरह में ले जाकर के उसकी देखभाल की जा रही होगी। तो इस तरीके से एक वेलफेयर फंड बना दिया जाएगा। 24% ऑफ मंथली वेज टू बी क्रेडिटेड इन देयर पीएफ अकाउंट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ फॉर वेज अर्नर्स बिलो 15,000 पर मंथ इन बिजनेस हैविंग लेस देन 100 वर्कर। एक ऐसा बिजनेस जहां पर 100 वर्कर या उससे कम लोग हैं और जो लोग भी 15,000 या उससे कम कमाते हैं वहां पर देखिए 12% का पीएफ कट जाता है। मतलब कि अगर मान लेते हैं 15,000 रुपए कोई कमा रहा है तो उसका 12% कट जाएगा, मतलब कि जिस भी कंपनी में काम कर रहा है तो उसका 12% कट जाएगा, कंपनी वाले काट लेंगे और इसको उतना ही अमाउंट कम देंगे, 15,000 से 12% काट करके उतना कम दे देंगे, लेकिन ये 12% में एक्स्ट्रा 12% कंपनी भी जोड़ेगी और अल्टीमेटली इनको 24% का बेनिफिट दे दिया जाएगा पीएफ अकाउंट के द्वारा इन देयर पेंशन टाइम। क्लियर हो गया क्या चीज है। 5 करोड़ वेज वर्कर्स रजिस्टर्ड अंडर ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड टू गेट नॉन रिफंडेबल एडवांस ऑफ 75% ऑफ देयर अमाउंट और 3 मंथ ऑफ देयर वेज व्हिच इवर इज लोअर फ्रॉम देयर अकाउंट। तो उनको 75% ऑफ द अमाउंट दे दिया जाएगा और वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। लिमिट ऑफ कोलेटरल फ्री लेंडिंग इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 20 lakhs फॉर वुमेन सेल्फ वर्कर। तो 20 लाख तक की अमाउंट दे दी जाएगी बिना किसी कोलेटरल के, जो भी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स होंगी, जो भी अपना उद्यम अपना एंटरप्रेन्योरशिप अपना कुछ भी इंडस्ट्री अगर लगाना चाहती है तो इनको इनिशियल स्टेज में जो लिक्विडिटी की जरूरत है वो लिक्विडिटी मिल जाएगी। जिस तरीके से मिनरल एक्ट में दिया गया है कि डीएमएफ बनाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया जाएगा, जहां पर माइनिंग करने वाले जितने भी वर्कर हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए एक प्रोटेक्शन फंड बनाया जाएगा जिसका नाम रहेगा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। इट इज टू बी यूज्ड फॉर सप्लीमेंटिंग ऑगमेंटिंग फैसिलिटीज फॉर मेडिकल टेस्टिंग एंड स्क्रीनिंग। तो जितनी भी थर्मल स्कैनर या फिर कुछ भी अगर सैनिटाइजर वगैरह की जरूरत है तो उसे डीएमएफ फंड से ही जो भी प्राइवेट कंपनीज है कॉर्पोरेट कंपनीज है उनको यूज करना होगा। तो इस पूरे के पूरे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में जब आप देखेंगे तो बेसिकली किया क्या गया है, इस पूरे के पूरे पैकेज में किया गया है कि किसी भी तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन किया जाए। इस लिक्विडिटी को अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है आम जनता के पास में अगर पैसा नहीं होगा तो पैसे से आगे जाकर के मार्केट में कोई चीज खरीदेगा नहीं। मार्केट में जब कोई चीज खरीदेगा नहीं तो मार्केट की जो भी ये एक दूसरे के साथ में लिंकिंग होती है वो लिंकिंग ऑब्वियसली ब्रेक हो जाएगी। अब ब्रेक होने के कारण से यहां से जो भी जीएसटी के द्वारा जो गवर्नमेंट को पैसा पहुंचता है वो पैसा भी नहीं पहुंच पाएगा। यहां पे मैं कई बार देख रहा था लोगों के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि आखिर में इस कोविड के कारण से नुकसान क्या हुआ है। देखिए नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी इकोनॉमी वर्चुअल इकोनॉमी पे काम कर रही होती है। वर्चुअल इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे एक रुपए नहीं होता, वो बेसिकली मल्टीप्लाई होकर के वो 10 रुपए में कन्वर्ट हो चुका होता है। 10 रुपए में कन्वर्ट होने का मतलब है कि सपोज एक आदमी है, ये बंदा 10 रुपए अपना मान लेते हैं कि बैंक में जाकर के जमा किया है, तो ये बंदा बैंक में जमा कर चुका है 10 रुपए, लेकिन ये अभी भी सोच रहा है कि इसके पास में अभी 10 रुपए तो इसके पास पड़ा ही हुआ है, चाहे वो बैंक में हो चाहे कहीं पर भी हो। बैंक के पास जैसे ये 10 रुपए पहुंचेगा बैंक वाला भी कहेगा मेरे पास तो 10 रुपए आ चुके हैं, अब मैं इसका यूज कर सकता हूं। इसी तरीके से अगर कोई मान लीजिए कि लोन लेने आया हुआ है बंदा, उसको बैंक अगर 10 रुपए दे देगी तो अब ये बंदा भी सोचेगा मेरे पास 10 रुपए हो गया है, बैंक वाला सोचेगा कि मैंने लोन दिया है तो कल को तो 10 रुपए आ जाएगा, यानी मेरे पास 10 रुपए पड़ा हुआ और ये बंदा तो खुद ही डिपॉजिट किया हुआ है 10 रुपए, यानी कि एक 10 रुपए 30 रुपए में तब्दील हो चुकी है। इसी को बोला जाता है मनी मल्टीप्लायर या फिर इसी को आप बोल सकते हैं कि वर्चुअल करेंसी।
इस वर्चुअल करेंसी के साथ प्रॉब्लम यह है कि सारा का सारा केवल और केवल रिटन फॉर्मेट में होती है, कहीं पर भी ये फिजिकल फॉर्मेट में नहीं होती है और इसी कारण से वर्चुअल हो जाती है। इस वर्चुअल होने में दिक्कत यह होती है कि अगर इस लिंक में एक भी बंदा फ्रॉड किया तो पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, और यही एक रीजन है जिसके कारण से हमारे यहाँ जो लिक्विडिटी है हमारे इस कोविड के कारण से, क्योंकि एक बंदे ने जो भी लेंड किया है वो बंदा रिटर्न नहीं किया है, जिसने डिपॉजिट किया है उसके पास अब पैसा नहीं बचा है, तो अब चांसेस यह है कि अब जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो बैंक के पास एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाएगी कि जो डिपॉजिटर्स है उनका पैसा रिटर्न करना और लोन दिए हुए लोगों से लोन वसूलना है। यानी कि इसके पास दिक्कत क्या है कि इनके पास में लिक्विडिटी नहीं है, तो इस लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए एक बहुत बड़ा हाथ होता है दो लोगों का, एक होती है जिसको गवर्नमेंट का हाथ बोला जाता है, दूसरा बोला जाता है आरबीआई का हाथ। इन दोनों लोगों को अपना बिजनेस अपना चीजों को गवर्न करने के लिए जरूरी होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करना, और एज पार्ट ऑफ दिस लिक्विडिटी पैकेज ही गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा 20 लाख करोड़ का पैकेज लेकर के आया है। इस पूरे के पूरे पैकेज के बारे में अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि आखिर में ये जरूरी क्यों था और क्यों ये गवर्नमेंट ने लेकर के आया इतना बड़ा एक पैकेज। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि गवर्नमेंट एक लेंडिंग हैंड होती है गवर्नमेंट की और दूसरी होती है हमारे आरबीआई की, तो सबसे पहले हम लोग जरा देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने आखिर में क्या कुछ किया है इस पूरे के पूरे 20 लाख करोड़ को बनाने में। गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो स्टेप लिया है वो लिया है कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई रेज द वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट ऑफ स्टेट बाई 60% एंड इनहेंस द ओवरड्राफ्ट ड्यूरेशन लिमिट। वेज एंड मीन्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप बेसिक वीडियो जाकर के देख लीजिए इकोनॉमिक्स की प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में, वहां पर आपको क्लैरिटी आ जाएगी क्या चीज है। इसके दौरान में स्टेट की एक तरीके से कह लीजिए कि लोन देने की क्षमता या फिर कह लीजिए स्टॉक्स के सहारे या फिर ट्रेजरी बिल के सहारे इनकी क्षमता बढ़ा दी गई, इकोनॉमिक कैपेसिटी इकोनॉमिक प्रोपेंसिटी इनकी बढ़ा दी गई है बाई 60%। अब ये 60% से ज्यादा अपनी ट्रेजरी बिल को सेल आउट कर सकते हैं। इश्यूड ऑल द पेंडिंग इनकम टैक्स रिटर्न अप टू 5 लाख इमीडिएट बेनिफिटिंग अराउंड 40 लाख टैक्स पेयर्स। तो जितने भी लोगों के टैक्स इनकम टैक्स में जो भी रिफंड आनी है उस रिफंड को फटाफट दे दिया जाएगा, 3 to 4 days में इसको फटाफट दे दिया जाएगा, जिससे कि 14 लाख जो टैक्स पेयर है उनके अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट कर जाए और वो लोग तुरंत के तुरंत बेनिफिट हो जाए। इंप्लीमेंटेड स्पेशल रिफंड एंड ड्रॉबैक डिस्पोजल ड्राइव फॉर ऑल पेंडिंग रिफंड एंड ड्रॉबैक क्लेम्स। तो जितनी भी चीजों में जहां पर भी कहीं पर भी अगर पैसा रिटर्न करना है, चाहे वो टीडीएस के अमाउंट में हो, चाहे वो जीएसटी रिटर्न के फॉर्मेट में हो, चाहे आईटीआर हो, चाहे कहीं पर भी हो, उसे गवर्नमेंट फटाफट अब रिफंड कर देगी, जिससे कि लोगों के पास या फिर कह लीजिए मार्केट में लिक्विडिटी आए। इस पूरे के पूरे स्कीम में आपको केवल यही ध्यान रखना है कि मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करना है, और लिक्विडिटी को मेंटेन करने का मतलब है किसी भी तरीके से लोगों तक पैसा पहुंचाना है। ये हुआ गवर्नमेंट के हाथ से, आरबीआई के हाथ से रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट और उसके बाद से सीआरआर, ये सब होता है उनके हाथ में। तो हम लोग आरबीआई के बारे में अभी बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी बात कर लेते हैं हम लोग अपने गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट में आप फटाफट देख रहे होंगे चीजों को कि यहां पर किस हर तरीके से लिक्विडिटी को मेंटेन करने की या कह लीजिए मार्केट में पैसा डालने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि इकोनॉमी वापस से रन करना शुरू कर दे। बोथ द एबव मेजर अमाउंट टू 18,000 करोड़ ऑफ रिफंड। तो 18,000 करोड़ का रिफंड किया जाएगा। सैंक्शन्ड रेट 15,000 करोड़ ऑफ इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स पैकेज। तो 15,000 करोड़ के रूप में एक इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स पैकेज दिया जाएगा, जिससे कि हमारे जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं अगर उनको हेल्थ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उनको इसी फंड के सहारे उनको सहायता दी जा रही होगी, चाहे वो उनकी इंश्योरेंस के फॉर्मेट में हो चाहे उनका हेल्थ कवरेज हो, दोनों ही फॉर्मेट में इस 15,000 करोड़ से उनको हेल्प कर दी जाएगी। आगे अगर बात करें तो प्रोवाइडेड रिलैक्सेशन इन स्टैट्यूटरी एंड कंप्लायंस मैटर ऑल्सो। किस तरीके से स्टैट्यूटरी और कंप्लायंस मैटर किया गया है, सबसे पहले तो आईटीआर की डेट जो होती है उसको एक्सटेंड कर दी गई है 30 जून 2020 तक के लिए। कि आपको देखिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमको आईटीआर फाइल करना है, हमको अपना पूरा का पूरा डेटा लेकर के आना है। आप फिलहाल एकदम फ्री सोल से फ्री माइंड से आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करिए, गवर्नमेंट ओनर है गवर्नमेंट अगर सर्वेंट है तो गवर्नमेंट के काम में लगे रहिए, या फिर अगर मान लीजिए आप एंटरप्रेन्योर हैं तो एंटरप्रेन्योर वाला काम अपना करते रहिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत फिलहाल नहीं है। तो ये लिया गया आईटीआर के फॉर्मेट में। सेम वही जो भी एंटरप्रेन्योर है उनको जीएसटी फाइल करना होता है, और अगेन उनके लिए बहुत बड़ा कष्टप्रद एक
टाइम होता है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है कि अभी फिलहाल आप अपने बिजनेस पे फोकस करिए, अभी आपको आईटीआर या जीएसटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है, 24/7 कस्टम क्लियरेंस ओपन है, आपको दिक्कत होती है, तुरंत कॉन्टैक्ट करिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। इसके अलावा लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए और एक बढ़िया तरीका निकाला गया है कि बैंक से अगर आपको मतलब एटीएम से आपको अगर कैश निकालना है तो आप किसी भी एटीएम से जाकर के आप निकाल सकते हैं, आपके ऊपर जो ये इंटर बैंक चार्ज होता है वो नहीं लगेगा। तो रिलैक्सेशन एक दे दी गई है टू विड्रॉ कैश फ्री फ्रॉम एनी एटीएम। अगर मोटर व्हीकल या फिर हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड अगर कोई पेमेंट आनी है तो अब आपको फटाफट वो आ जाएगी, तो वो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने 15 मई से पहले कोई पेमेंट आनी है तो फटाफट वो आ जाएगी। मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग ये एक्सटेंड कर दी गई है 60 डेज के लिए टिल 30 सितंबर। अलाउिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई वोटिंग एंड सिंप्लीफाइड वोटिंग फैसिलिटीज। इसमें किया क्या गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी इंप्लॉई है और अगर उसको मीटिंग में जाना है तो ऑब्वियसली उसको चल करके जाना पड़ेगा कंपनी में, लेकिन चूंकि ये अभी कोविड की प्रॉब्लम है, इस वजह से कम्युनिटी स्प्रेड होने का खतरा है और इस वजह से वर्क फ्रॉम होम दिया गया है, इसलिए कहा गया है कि कोई भी बोर्ड मीटिंग होनी है चाहे कॉन्फ्रेंस होना है उसे आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना है। क्लियर हो गया। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल अभी यही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके पार्ट टू में देखेंगे आरबीआई ने क्या किया है और उसके बाद से हम लोग पार्ट थ्री में अपने देख रहे होंगे कि आखिर में हमारे एमएसएमई सेक्टर को क्या कुछ दिया गया है, क्या कुछ किया गया है। ये वीडियो सीरीज थोड़ी सी लंबी होगी, आपको 3 से 4 पार्ट में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये काफी बड़ा स्कीम है और हमारे यूपीएससी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज को काफी कंटिन्यूटी के साथ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।